बेनड़ी खबरदार है जो लड्डू के हाथ लगाई, रख दे बठीने। मैं हुक्म दूंगी और आप झाड़ दोगी बाबू। कालो ना एक लड्डू कालो ना। हट पर बाबू, आज मैं हुक्म दूंगी आप झाड़ दोगी, दे दो ना। कालो ना। अरे बच्चा मुन्ने। बाबू आप ना जल्दी से निकल लो, नहीं तो अगर इन्होंने आपको लड्डू खिला दिया तो आप भी उड़ने लग जाओगी। निकलो। अरे कालो ना। हट बीनड़ी। ये मारा। अरे बाबा। अरे मारा। कहीं नहीं जाओगी। छोटू संभाल ले इन्हें। बाबा एक बार लड्डू ला। अरे हट। ये बाबा। अरे ए बाबा को लड्डू खिला रहे। अरे बचाओ। चिड़िया चिड़िया। अरे अरे बावली होगी। लड्डू लड्डू नहीं मानेगी तू। विक्रम रे, सूरज रे, कठे है सब लोग। विक्रम बाबू आपने कहा था ना छत का ताला लगा दे, मैंने लगा दिया, बंदर आ जाएंगे बाबू। तू नहीं मानेगी ना देख। अरे विक्रम रे, अरे अरे सूरज बाबू। इन्हें क्या हो गया है? बाबू लड्डू। अरे तू माने को। रे विक्रम, अरे रुक। लड्डू कालो। सूरज। चिड़िया बन जाओगी चिड़िया। बीनड़ी। अरे राम जी कठे पचगी मैं। लड्डू एक चिड़िया। रुक रुक जा बटे। रुक जा। अगर अट्ठे से हिली ना तो सच्चे ही मार दूंगी तने। चुप। संतोष क्यों मार रही उसे? मीना भले घर की बिंदड़िया ऐसी नहीं करती बेटा। रेमिना बेइज्जती करा रही है। लड्डू खालो। मैं थप्पड़ मारूंगा नीचे। अरे लेकिन यहाँ से वहाँ तक तो हाथ ही नहीं पहुँचेगा, थप्पड़ कैसे मारूंगी? रे देख थारी थारी बिंदड़ी ने देख देख इन्हें भांग चढ़ गई, जल्दी ऊपर आ दो। बाबू आता हूँ मैं ऊपर आता हूँ जल्दी। बाबू कैसे आएंगे, चाबी तो हमारे पास है। हे मारा राम जी, ला दे मने चाबी, दे मने। अरे दे। अरे माने की कोनी। अरे दे। मजा आ रहा है। संभाल के बेटा। अरे विक्रम संभाल के बेटा, संभाल के ध्यान से। आराम से भैया। अरे संभाल बेटा। और खिलाओगी? रोटी में घी चाहिए, लड्डू में घी घी। आ जाओ आ जाओ बाबू, आज तीनों बेटों को बुला लो, कोई ना चिपड़ा पाएगा। अरे क्या खा के पैदा किया था भाई, मोटी माने तन्ने। लड्डू खा लो। आराम से आराम से आराम से। संतोष को नचवाने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला बिंदड़ी ने, मने पता होता तो बरसों पहले भांग खा लेता। बाबू चुप रह, तू चुप रह। आप एक काम करो, मेरे ऊपर आके आराम से चढ़ो। अरे अरे संभाल बेटा। ए कंप्यूटर को आजा आजा, ये पतला क्या करेगा बाबू। आजा। अरे बेटा हैंटर से मारूंगा तुझे रात को। आओ भैया। और ऊपर दम लगाओ, दंड पहलो। संभाल के बेटा संभाल के। हटा के से। अरे गिर जाओ ना। अरे हट ऑन आ जा। एजी खा लो ना। अरे अरे मत खा ना। अरे लड्डू में भांग नहीं खा। हे मारा राम जी। एजी मजा आया, तारी माँ को मैं कब से कह रही हूँ खा लो खा लो, खाई नहीं रही, भगाई जा रही है। तुम मेरे अच्छे पति नहीं हो, मैं दूसरा पति लेकर आती हूँ। विक्रम बेटा तने के हो क्यों? अरे विक्रम। अरे बाबू आगे से हट जाओ, आप तो मीना को पकड़ के लाऊंगा मैं। अरे आगे से हट जाओ, आज मीना पड़ेगी। विक्रम अरे उतर जा बेटा, अरे उतर जा, गिर जावे घर।
की साइकिल नहीं लुक रही, मैं कैसे रुकूं? अरे रोक ली। बाबू मीना कहाँ है? मीना कुएं में जान देने के लिए गई। मैं भी जाऊंगा। ये मारा राम जी। अरे जा राम मारा जा। अरे मीना! बावली हो रही है, हाँ? आज ना छोड़ूंगी मैं इसे। अरे कट्ठे गई। रुक जा। क्या कर रही है तू? अरे मने भांग को लड्डू खिलावे थे, हाँ? ऊपर गोल 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 कल चक्री कर रही थी हमारे साथ। आज ना छोड़ूंगी वैसे। अरे तो जाने दे, बच्चे हैं, और वैसे भी होली का त्योहार है ये। होली का त्योहार है, ठीक है। आप लोग अठे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ जाकर होली खेलो, जाओ। भाई जी देखिए मां शुरू हो जाइए। चल के खेलते हैं ना होली। चलो चलो।
झपट मैंने की थी, आपको जेल भी मैंने ही भिजवाया था, अब फोन भी ना मैंने किया था। रे चुप बैठ, मने कुछ सुनाई ना दे रहा है। गोदाम में भी मैंने आग लगा दी। आप कहते हो आप शानी, बल्कि मैं शानी, एक बाबो एक जिठानी, एक भी मैं शानी। के हो गया है तने, भांग ज्यादा चढ़ गई, चल जाने दे मने। जिठानी जी, अभी तो आप वो कुंस्नान की रस्म के लिए जा रही होंगी, है ना? कुंस्नान, ये कैसी रस्म है? लो, आपको ये भी नहीं पता? कुंस्नान की रस्म में पता है क्या होता है? पति पत्नी एक साथ एक ही कुंड में स्नान करते हैं। संजय जी, हमारे यहाँ होली के बाद नए शादीशुदा जोड़े के लिए एक रस्म होती है, कुंड स्नान की रस्म। शायद आप नहीं जानती, वो सिर्फ हमारे यहाँ होती है। भाई जी, कुंड स्नान के रस्म के लिए हम यहीं से जाने वाले हैं ना? सूरज जी, जेठ जी, अब वो सबके सामने कैसे बताएंगे कि आपके साथ कुंभ स्नान में वो नहीं करेंगे? क्या नहीं करेंगे? नहाएंगे नहीं, पूछो कैसे? अब आप दोनों के बीच में कोई पति पत्नी वाला रिश्ता तो है नहीं। भी बताओ, एक ही घर में रहते हो और अलग अलग सोते हो, अब ऐसे भी अभी भी आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता तो है नहीं, तो आप सबके सामने नहाओगे कैसे? अरे मुझे तो दया आ रही है बेचारे जेठ जी पे। देखो ना, अपनी बहन और उसके पति के सामने क्या मुंह लेके जाएंगे बेचारे, कि ना मैं ना कर सकूं, मारी बीवी छूने को नहीं दे। बेचारे जेठ जी सिर्फ जलेबियां ही बनाते रहेंगे पूरी जिंदगी। भाई जी, भाभी साहब कहाँ गए? कुंडस्थान की रस्म के लिए जाना है। भाभी साहब बस वो, कीर्ति तुम और कंवर साहब रस्म शुरू करो, मैं बस वो। चलिए कुंडस्नान की रस्म के लिए चलते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
इंस्टा प्लस यूट्यूब पेज को।